हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग संख्यात्मक प्रश्न कर रहे हैं और इसके पहले हम लोग पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, ये है दूसरा प्रश्न। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पहला प्रश्न जाके प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं क्लास 11th सेलेक्ट करके। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 2 की और कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आराम से समझ रहे हैं क्योंकि एक बार अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हैं तो फिर आप अच्छे से कर पाएंगे और फिर आपकी स्पीड भी आ जाएगी। तो दिया गया है द्रव्यमान 10 किलोग्राम की वस्तु पर 2 किलोग्राम भार लगाया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 10 किलोग्राम की कोई भी वस्तु है जिस पर 2 किलोग्राम का भार लगाया गया है। अगर हम मान के चलें कि ये कोई 10 किलोग्राम की वस्तु है, अब इस पर 2 किलोग्राम का भार बल अलग से लटका दिया जाता है यहां पे, तो वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, यानी वस्तु ये जो नीचे कितना आएगी। अब ये भी किसी ऐसी रस्सी से बंधी हुई है मान के चलिए जो ऊपर नीचे आ सकती है, तो त्वरण हमें ज्ञात करना है। तो ये है 2 kg, 10 किलोग्राम वस्तु पर हमने 2 किलोग्राम का भार बल और लटका दिया है। ध्यान रखिए ये किलोग्राम जो है ये m का मान है, लेकिन भार बल w अलग होता है, इसे हम f से भी प्रदर्शित करते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद देख रहे हैं। तो द्रव्यमान 10 किलोग्राम की वस्तु पर 2 किलोग्राम का भार लटकाया जाता है या भार लगाया जाता है, भार बल लगाया जाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले m बराबर जो द्रव्यमान है उसको लिख लेते हैं, जो कि है 10 kg। ये द्रव्यमान 10 किलोग्राम की जो वस्तु आपको दी गई है उसका जो वजन है वो दिया गया है। 2 किलोग्राम भार बल लटकाया जाता है, तो भार बल यानी कि W, 2 किलोग्राम भार बल कैसे आएगा, तो भार W से दर्शाते हैं और इसका मान होता है m × g, ये भार बल होता है। W को यदि अपन यहाँ से वेट बोलें तो ये हो जाएगा m × g, और इसी को हम भार बल भी बोलते हैं यानी कि F, एक ही बात है ये। लेकिन इसमें मास और वेट में अंतर क्या होगा, इसका अंतर ये है यहाँ पे m का मान 10 kg है, लेकिन वेट में होता क्या है कि g का गुणा हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि भार बल यानी नीचे कोई भी वस्तु जब रखी या पृथ्वी की ओर आती है या लटकी हुई होती है तो उस पर भार बल लगा रहता है। तो g, तो m कितना है 2 kg, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन उसका भार बल हमें ज्ञात करना है, यानी कि जी का जो मान है 9.8, आप सभी जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो 9.8 ही माना गया है, इसको आप याद कर लीजिए। तो जब आप इसका गुणा कर देंगे तो ये आएगा 2 × 8 = 16, 21 = 6 हासिल आ जाएगी, 1 × 2 = 18 और 1 = 19, एक अंक बाद दशमलव वापस लौटा देंगे, 19.6 ये आ जाएगा भार बल। तो भार बल है इसलिए हम इसे F से भी दर्शा देते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये बल हो जाएगा 19.6 N का, तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं बराबर 19.6 N। याद रखिए हमेशा भार बल जो है वो mg ही होता है, लेकिन जो द्रव्यमान है वो अलग चीज़ है और भार जो है वो अलग चीज़ है। भार में जी का गुणा हो जाएगा, द्रव्यमान में अगर यहाँ पे द्रव्यमान में जी का गुणा कर दें, फिर से समझिए, द्रव्यमान में अगर जी का गुणा कर दें तो वो भार बनता है, लेकिन अगर m अकेला है तो वो केवल ही केवल द्रव्यमान है, लेकिन अगर उसमें g का गुणा कर दें तो वो भार बल बन जाता है, जिसे हम f से भी दर्शाएंगे। और उस जो भी उसकी राशि आएगी यानी कि जो भी क्वांटिटी आएगी उसमें हम न्यूटन लगा देंगे कि उतने न्यूटन का जो बल है वो नीचे की ओर लग रहा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हमें आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, यानी कि a का मान हमसे पूछा गया है कि a बताइए कितना होगा। तो हम जानते हैं चूंकि F बराबर क्या होता है ma, इसी से रिलेटेड हमने फॉर्मूला लगाया, तो हमें F और m दोनों मालूम है, तो क्या हम a निकाल सकते हैं? आंसर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम F, ये जो m है ये a के साथ में गुणा में है, तो यहाँ पे हम इसको नीचे बटे में ले जा सकते हैं, तो F बटे m बराबर क्या हो सकता है a। तो F और m का मान रख देते हैं, F का मान है 19.6 और बटे m का मान ऊपर दिया गया है 10 kg, तो यहाँ पे हम 10 रख देते हैं बराबर a। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये
जीरो है। अगर हम ये 10 हटाना चाहते हैं तो दशमलव को यहाँ पे खिसका देंगे तो आएगा 1.96 बराबर ए। और त्वरण है तो हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखेंगे, तो ए बराबर 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इतना सिंपल है ये, बस थोड़ा सा भार और द्रव्यमान में आपको अंतर पता होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए। पहले क्वेश्चन लिखना है अपने नोट्स में, उसके बाद आपको ये आंसर लिख लेना है। नोट्स बनाते जाना है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जो नोट्स होते हैं वो वज्र की जैसे होते हैं, यानी कि ऐसा बाण जो सभी काम कर दे। तो इसमें से आप रिवीजन कर सकते हैं, तो इसलिए रफ में नहीं लिखना है, नोट्स बनाते जाना है और उसी में सभी क्वेश्चन को लिखना है। आपको 100% इसी में से क्वेश्चन पेपर आने वाला है। चलिए ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आप लोग कर लीजिए। पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया और ये हो गया है दूसरा, और इसके पहले जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी को बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहिए और आगे भी यहाँ से वीडियोस आते रहेंगे, तो आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।